त्रिवृत्त के बारे में जानते हैं। त्रिवृत्त जो है अपरकुलिना टर्पिंथम, इसका बॉटनिकल नेम है, फैमिली है कॉन्वल्वुलेसी। अब इसका पहचान जानते हैं कैसा दिखता है पौधा, तो इसके तने के बारे में जानेंगे। तना देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे तीन कोण युक्त दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम त्रिवृत्त पड़ा है। ये देखेंगे तीन कोण, ये एक है, दो है और नीचे तीसरा है ना। तो ये हर जगह पे त्रिकोण में दिखाई देने के कारण इसका नाम त्रिवृत्त है। अब इसके इसके पत्र के बारे में जानेंगे। पत्र सामान्यतः ये देखेंगे कि अंडाकार होता है, और कुछ पत्र इसमें अंडाकार लंबवत भी होते हैं, और इसके पत्र में हल्के हल्के रोम होते हैं, निचले सतह पे ज़्यादा स्पष्ट होता है। ये सामान्यतः भारत के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, और ये सदा हरित एक प्रसरणी लता होती है। अब इसके रसपंचक की बात करें तो त्रिवृत्त सामान्यतः रस में तिक्त कटु होता है, उष्णवीर्य होता है, गुण में इसका लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण होता है, और ये विपाक में कटु विपाक भी होता है। अब इसके प्रयोग के बारे में जानें। त्रिवृत्त का प्रयोग हम जो है इसके मूल का प्रयोग करते हैं। मूल जितना गहरा स्थित होता है उतना श्रेष्ठ माना जाता है। त्रिवृत्त में सामान्यतः दो तरह की त्रिवृत्त होती है, एक होता है श्याम त्रिवृत्त और एक होता है अरुणाभ त्रिवृत्त। तो श्याम त्रिवृत्त को श्रेष्ठ माना गया है, अरुणाभम त्रिवृत्त मूलम श्रेष्ठा मूल वीरेस ने कहा है। तो अब इसके प्रयोग में देखें तो जो श्याम त्रिवृत्त होती है हम सामान्यतः उसका प्रयोग करते हैं। तो इसके मूल का चूर्ण अगर हम मधु के साथ लें तो ज्वर के लिए अच्छी औषधि होती है। ज्वर में जिसका कोष्ठबद्धता आदि हो तो वो ठीक हो जाता है। और अगर पित्तश्लेष्मक ज्वर है तो इसका प्रयोग जो है शर्करा के साथ करना चाहिए, ठीक है। अब इसके मूल चूर्ण का ही अगर हम प्रयोग अर्स रोग में करना चाहें तो अर्स रोग में इसको त्रिफला के क्वाथ के साथ अगर दें तो अर्स रोग की अच्छी औषधि हो जाती है।